छह दिन बाद कल फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बहुत फटकारा। लगातार 4-5 सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि यदि 500 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया जा सकता है तो विकास कार्य के लिए अपने हिस्से का 400 करोड़ रोक कर क्यों बैठे हैं केजरीवाल। सरकार का खजाना जब्त करने की धमकी दे रही है कोर्ट पर, केजरीवाल पर जैसे कोई असर नहीं। सोच रहे हैं कि कोर्ट पैसा जब्त कर ले तो काम न करने का बहाना मिल जाएगा। रोना रोने में ही तो इंजीनियरिंग की है। लोगों के पास जाकर कह देंगे सब मिले हुए हैं जी। देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को RRTS प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित फंड जारी न करने को लेकर फटकार लगाई और कहा कि आपको जो राशि अदा करनी है, समस्या यह है कि उसके लिए आपके हाथ मरोड़ने होंगे। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच को बताया गया कि दिल्ली सरकार ने RRTS को जो पैसे देने हैं उसका कुछ हिस्सा ही दिया है। इस पर बेंच ने कहा, आधे अधूरे भुगतान का सवाल ही नहीं उठता, पूरा भुगतान करना ही होगा। पैसा देना सरकार की जिम्मेदारी है। जस्टिस कौल ने कहा कि समस्या यह है कि दिल्ली सरकार पर उस पैसे के भुगतान के लिए अदालत को दबाव बनाना पड़ रहा है। जो पैसा देना उसकी जिम्मेदारी है। पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपको हर हाल में इस परियोजना के लिए अपने हिस्से का पैसा देना होगा। इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई 7 दिसंबर तक तय कर दी है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए अपने विज्ञापन बजट का पैसा RRTS फंड में ट्रांसफर करने को कहा था। हालांकि एक हफ्ते के लिए अदालत ने अपने आदेश को रोक लगा दी थी और कहा था कि यह आदेश तब लागू होगा जब सरकार प्रोजेक्ट के लिए पैसे जारी नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई पर अलवर और पानीपत से जोड़ने के लिए प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की परियोजना के लिए धन मुहैया नहीं कराने पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया था। साथ ही कहा था कि राष्ट्रीय परियोजना प्रभावित हो रही है और पैसा विज्ञापन पर खर्च हो रहा है। पीठ ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली सरकार को विज्ञापन मद से 418 करोड़ रुपए RRTS परियोजना के लिए स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। बीते अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर, दिल्ली अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के समय पर कार्यान्वयन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा देय शेष राशि का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए था। पीठ ने कहा था कि इस मामले में पेश जानकारी से पता चलता है कि विज्ञापन के लिए 3 साल का बजटीय प्रावधान 1100 करोड़ रुपए था, जबकि इस वित्तीय वर्ष में भी इस मद में 550 करोड़ रुपए रखा गया। धन की कमी से RRTS जैसी राष्ट्रीय परियोजनाएं प्रभावित होती है और हम यह कहने को इच्छुक होंगे कि पैसे को बुनियादी ढांचे में लगाया जाए। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। जाली सिग्नेचर करने वाले राघव चड्ढा, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है तो जाकर केजरीवाल को बोलो कि अब लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दे। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा मंगलवार को राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश हुए। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से की गई उन टिप्पणियों पर अपना पक्ष रखा जिसके लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की गई है। माना जाता है कि चड्ढा ने समिति के समक्ष माफी भी मांगी, नाक भी रगड़ा, सदस्यों से कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी। सूत्रों ने बताया कि चड्ढा संसद भवन परिसर में हुई समिति की बैठक के दौरान उनके समक्ष आए, लेकिन शिकायत पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति आप नेता राघव चड्ढा सहित कुछ सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की जांच कर रही है। समिति संजय सिंह और डेरेक ओब्रायन के खिलाफ शिकायतों की भी जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया है कि समिति ने चड्ढा से 7 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। चड्ढा और सिंह दोनों फिलहाल सदन से निलंबित है। चड्ढा 11 अगस्त से निलंबित है क्योंकि कुछ सांसदों, जिनमें से अधिकांश सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन पर उनकी सहमति के बिना एक प्रस्ताव में उनके नाम जोड़ने का आरोप लगाया गया था। प्रस्ताव में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक की जांच के लिए प्रवर समिति के गठन की मांग भी की गई थी।
समिति की बैठक आप नेता की ओर से उनके निलंबन के खिलाफ दायर मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ टिप्पणियां किए जाने के बाद हुई। शीर्ष अदालत ने चड्डा से कहा कि वह प्रवर समिति के मुद्दों पर राज्यसभा के सभापति धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगे। उम्मीद जताई कि धनखड़ इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी से कहा था कि वह दिवाली की छुट्टियों के बाद इस मामले में हुए घटनाक्रम से अवगत कराए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सांसद को इस मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगने के लिए राज्यसभा के सभापति से मिलना होगा। अदालत ने कहा कि उपराष्ट्रपति इस पूरे मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकते हैं और इस संबंध में आगे कदम उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राघव चड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, कोर्ट का आदेश है कि मैं राज्यसभा के सभापति से व्यक्तिगत रूप से मिलूं। इसको देखते हुए और अपने निलंबन को लेकर सभापति के साथ जल्द से जल्द बैठक करने के लिए समय मांगा है। अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर राघव चड्डा पर आरोप है कि उन्होंने एक प्रस्ताव में कुछ सांसदों के नाम बिना किसी सहमति के जोड़ दिए। संसद सत्र के दौरान 11 अगस्त को चड्डा को कई सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में राज्यसभा से निलंबित किया गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर, जय हिंद जय भारत। केजरी की नैया और डूब गई। केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के एक्सटेंशन को रोकने की पूरी कोशिश की। उन्हें डर था कि वह गंगा जी के भ्रष्टाचार को उजागर कर देंगे। द वायर के माध्यम से हिट जॉब का प्रयास किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने का विस्तार देने के केंद्र के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि 2024 दिल्ली सेवा अधिनियम के तहत केवल केंद्र के पास दिल्ली के मुख्य सचिव को नियुक्त करने की शक्ति है। दिल्ली और केंद्र सरकार में चल रहा झगड़ा कोई नया नहीं है। यहाँ किसी ना किसी विषय को लेकर विवाद बना ही रहता है। ताजा विवाद दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को लेकर था। नरेश कुमार का कार्यकाल 30 नवंबर 2023 को खत्म होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार ने उन्हें 6 महीने का विस्तार दे दिया। केंद्र के इस फैसले पर तमतमाई दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विरोध किया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जहां लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि मुख्य सचिव को 6 महीने की सेवा विस्तार कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और केंद्र सरकार को पुलिस, भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है, जो दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षा से परे है। वहीं इससे पहले मंगलवार को इस मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आप एक ही व्यक्ति के ऊपर क्यों अटक गए हैं, क्या इस पद के लिए कोई दूसरा IAS अधिकारी नहीं है, क्या आपके पास कोई ऐसा IAS अधिकारी नहीं जो इस पद को संभाल सके। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को अपने फैसले को विस्तार से बताने को कहा था और आज यानी 29 नवंबर तक का वक्त दिया था। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कोर्ट में दलील दी थी कि दिल्ली सरकार और मुख्य सचिव के बीच भरोसे की कमी है, इसलिए नरेश कुमार को सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि हमारे पसंद के व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाया जाए। मेरा कहना है कि अधिकारियों में वरिष्ठतम को जिम्मेदारी दी जाए या फिर नामों का एक पैनल दे और उस पर दिल्ली के CM और उपराज्यपाल चर्चा करें। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जय हिंद जय भारत। अरविंद केजरीवाल वो कलाकार है जो सड़ी बदबूदार वस्तुओं को चमकदार अच्छे रेपर में लपेट कर बेचते हैं, इसलिए अब ये दूसरों की बजाय खुद को बेच रहे हैं, लेकिन अंदर से वही है। नया केजरीवाल बाजार में आया है, लोगों को सच में जाकर इसके कर्म देखने होंगे, कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। जन लोकपाल की मांग के साथ आंदोलन के रास्ते राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं।
राजनीति में आने से पहले और बाद में भी अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक विरोधियों को देखते देखते चोर लुटेरे बलात्कारी और भ्रष्टाचारी बता चुके हैं, लेकिन अब वो खुद भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जिस मुंह से वो दूसरों पर आरोप लगाकर भ्रष्ट होने का दावा करते रहे, आज उसी मुंह से खुद को और अपने साथियों के बेकसूर और कट्टर ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के कहने पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को भी लोग बेकसूर और कट्टर ईमानदार आसानी से मान लेते हैं, बशर्ते दूसरे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी बातों पर टिके होते, अदालतों में मुकदमा लड़ रहे होते, लेकिन कोई माने भी तो कैसे। जो भी नेता अरविंद केजरीवाल के मीडिया के सामने आकर कुछ कागज दिखाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर कोर्ट चले गए, अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली और बचने के लिए समझौता कर लिया। मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक विरोध के चलते यूं ही नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई ही नहीं थी, वह आरोप बस झूठ का पुलिंदा थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेताओं को भ्रष्ट बता दिया। अब अरविंद केजरीवाल का वहीं दांव उल्टा पड़ रहा है। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी वीके सक्सेना के साथ साथ सीबीआई को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। बीजेपी नेता दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ रुपए का घोटाला होने का दावा कर रहे हैं। नए इल्जाम पर सफाई में आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार पहले ही इसकी शिकायत कर चुकी है और केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले रही। आपका कहना है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो अफसरों ने किया है, मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं जब उनके कई साथी जेल में हैं और वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आ चुके हैं। आगे की लड़ाई लंबी है और काफी मुश्किल भी है। अगर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की है तो देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये न्यायिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि आरोपी को संदेह का भी लाभ मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है तो भी सबूतों के अभाव में वो बच सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान समय का होगा, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राजनीति में वक्त भी बहुत मायने रखता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर, जय हिंद जय भारत। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। सिसोदिया ने जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार 29 नवंबर को पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने यह याचिका दायर की है। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शराब नीति मामले में जमानत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपए का लेन देन स्थापित कर पा रही है, ऐसे में फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर निचली अदालत ने 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता है तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं। उधर हाल ही में शराब घोटाले मामले में सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। अदालत ने कहा था कि ईडी की ओर से कई दस्तावेज दाखिल करने बाकी हैं। कोर्ट ने वकील से कहा था कि 207 IPC का पालन जल्द हो जिससे सुनवाई हो सके। वहीं इससे पहले सांसद संजय सिंह की ओर से भी दाखिल जमानत अर्जी पर ईडी को 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को घोटाले में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था, तब से वह ईडी की हिरासत में है। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। गाजियाबाद में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। लोनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 2 विधायक इसी काम में लगे हैं, जो पश्चिमी बंगाल से बिहार के रास्ते दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने में लगे हैं।
बीजेपी विधायक गुर्जर ने कहा कि पिछले महीने भी लोनी में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया था। विधायक का दावा है कि केवल दिल्ली में 5 लाख से अधिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं, जबकि एनसीआर में तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से बसे हुए हैं। उम्मीद है केंद्र और प्रदेश सरकार की एजेंसियां अवैध रूप से बसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। नंद किशोर गुर्जर ने आगे कहा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बधाई देता हूं। पुलिस लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर रही है। आज भी लोनी बॉर्डर पर पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। विधायक नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके पास से दिल्ली के वोटर कार्ड और आधार कार्ड मिले हैं, जो उनकी बातों को प्रमाणित करते हैं। दरअसल विधायक लंबे समय से दावा करते आ रहे हैं कि लोनी में अवैध रूप से बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं। इस काम में केजरीवाल के 2 विधायक उनकी मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में 15 वर्षों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान उसके 2 साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार आरोपी ने दिल्ली के सीमापुरी का किराया नामा तैयार कर यहां का आधार कार्ड बनवा लिया था। पुलिस को उसके पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट बरामद हुआ है। एसीपी विवेक सिंह ने बताया कि सोमवार रात बहटा नहर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्कूटी सवार एक बांग्लादेशी युवक शहादत को गिरफ्तार किया। वह दिल्ली के सीमापुरी की झुग्गियों में रहता था और अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी और नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। आरोपी के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में 15 मुकदमे दर्ज है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। आरोपी से बरामद स्कूटी उसने अपने एक रिश्तेदार के नाम से ली हुई थी। सोमवार रात वह अपने 2 साथियों आरिफ और सुहेल उर्फ हुसैन के साथ बहटा नहर पर चोरी की वारदात करने की नियत से घूम रहा था। मौके से भागे उसके साथियों की तलाश की जा रही है। दोनों साथी भी सीमापुरी की झुग्गियों में ही रहते हैं। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुष्टीकरण की सभी हदों को पार करते हुए बिहार को पाकिस्तान बना दिया। छुट्टियों को लेकर बिहार सरकार द्वारा जिस तरह से हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया गया है, बिहार में नीतीश की सरकार को इस बार जनता वोट की चोट से तबाह करेगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।